दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर छोटे दुकानदार हो, तो जब भी आपने अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट परचेज किए हैं, तो आपके पास उन प्रोडक्ट का इनवॉइस भी आया होगा। तो उस इनवॉइस के ऊपर आपने देखा होगा, तो कभी कभार आपके पास इनवॉइस ऐसा भी आया होगा जिसके ऊपर लिखा है टैक्स इनवॉइस, और कभी इनवॉइस आपके पास ऐसा भी आया होगा जिसके ऊपर लिखा होता है बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई दोनों इनवॉइस के अंदर क्या फर्क है, कौन इशू कर सकता है, किस कंडीशन में इशू कर सकता है। अगर हमारे पास बिल ऑफ सप्लाई का इनवॉइस आता है, तो हमें उस इनवॉइस को किस तरीके से देखना है। अगर हमारे पास ये टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ, यानी कि टाइटल पे टैक्स इनवॉइस लिख के इनवॉइस आता है, तो हमें उस इनवॉइस को किस प्रकार से चेक करना है, ताकि हमें पता चले कि टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू कर सकता है, और बिल ऑफ सप्लाई अगर इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये इनवॉइस किस टाइप के डीलर ने इसको इश्यू किया हुआ है। सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टैक्स इनवॉइस की और बिल ऑफ सप्लाई की, तो दोनों ही ऐसे डीलर होते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी के लिए लेके रखा होता है। लेकिन जब भी उस जीएसटी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसके सामने दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कंपोजिशन का और दूसरा होता है रेगुलर का। तो यानी कि ये दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी के अंदर। अब कंपोजिशन का अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसकी अलग कंडीशन है। अगर कोई रेगुलर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसकी अलग कंडीशन है। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। तो आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उठा लो, जब भी आप कंपनी क्रिएट करके ये जीएसटी से रिलेटेड अगर आप डिटेल इसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करोगे, तो ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपसे जरूर पूछता है, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा। तो उस वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपको कंपोजिशन सिलेक्ट करना है या फिर रेगुलर सिलेक्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं टैक्स इनवॉइस की। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से टैक्स इनवॉइस लग के आया होगा, तो आप देख रहे हो जीएसटी नंबर दोनों के पास ही है। जिसने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, उसके पास भी जीएसटी नंबर है, और जिसने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया है, उसके पास भी जीएसटी नंबर है। तो यानी कि एक बात तो तय है, भी इनकी हेडिंग के ऊपर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो उन्हीं की हेडिंग पर बिल ऑफ सप्लाई या फिर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आएगा। अब रेगुलर में क्या रहेगा, अगर कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए ये विजय ट्रेडिंग कंपनी है, और ये रेगुलर के अंदर इसने अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी का, तो ये पार्टी यानी कि ये कंपनी टैक्स इनवॉइस इशू करेगी। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या आ गया, भी अब इस विजय ट्रेडिंग कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी है, पूरी इसके पावर है, इसके पास में पावर है भी जब भी ये अपने कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल करेगा, तो उस इनवॉइस के ऊपर वो टैक्स चार्ज करेगा, सेंटर का टैक्स और स्टेट का टैक्स। तो यानी कि इसके पास ये पावर है भी अगर जो भी इसने प्रोडक्ट बेचे हैं, तो उस प्रोडक्ट की बेसिक वैल्यू कितनी है, कितना उसने कस्टमर से टैक्स के रूप में चार्ज किया है, और दोनों की टैक्सेबल वैल्यू की और टैक्स की वैल्यू कितनी कितनी है। अब अगर हम इस इनवॉइस की बात करें, तो ये कुछ प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, कुछ इसके बेसिक प्राइस है पर यूनिट के, और उसके बाद के अंदर यहाँ पर इन्होंने अलग से सेपरेट यहाँ पर टैक्स के रेट भी दिखाए हुए हैं, यानी कि ये 6% CGST और 6% SGST, यानी कि ये जो वाला प्रोडक्ट है ये 12% टैक्स का प्रोडक्ट है। तो कुछ 18 का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, टैक्स फ्री का भी हो सकता है। तो अगर हम इनवॉइस के टोटल वैल्यू की बात करें, तो टोटल वैल्यू है यहाँ पर 111,141 रुपये की। अब इस 111,141 रुपये के अंदर टैक्स की अमाउंट इंक्लूड है, तो जिसकी समरी यहाँ पर आपको यहाँ दिख जाती है इस इनवॉइस के अंदर भी, इस इनवॉइस के अंदर जो बेसिक वैल्यू है वो है 98,365 रुपये और 26 पैसे की, और इसके अलावा ये दोनों है टैक्स की अमाउंट, यानी कि 12,775 रुपये और 74 पैसे टोटल टैक्स भी यहाँ से कस्टमर से लिया हुआ है। अब अगर इस टाइप का इनवॉइस अगर आपको देखने को मिले, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि जिस कंपनी ने भी ये इनवॉइस इशू किया है, वो रेगुलर स्कीम के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है। अगर हम बात करते हैं बिल ऑफ सप्लाई की, तो बिल ऑफ सप्लाई कौन करेगा,
तो रेगुलर के बाद में सेकंड ऑप्शन कौन सा बच जाता है हमारे पास में, कंपोजिशन का। तो यानी कि जो कंपोजिशन का डीलर होगा, जिसने कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन जीएसटी का करा रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी, वो बाकी चीजें तो सब कुछ सेम लिखेगा, प्रोडक्ट का नाम भी लिखेगा, एचएसएन कोड भी लिख सकता है, उसकी क्वांटिटी लिखेगा, उसकी यूनिट की प्राइस भी लिखेगा और टोटल अमाउंट भी लिखेगा। तो लेकिन वो इस इनवॉइस के ऊपर सेपरेट ये बात नहीं लिख सकता भी इस 9,000 रुपये के अंदर टैक्स कितना है और बेसिक वैल्यू कितनी है। तो यानी कि उसको टैक्स है जो कस्टमर से अलग चार्ज नहीं कर सकता, चाहे भले ही उसने 9,000 रुपये के अंदर टैक्स समेत आपसे पैसे वसूले हो, लेकिन वो इनवॉइस के ऊपर ऐसा नहीं लिख सकता भी मैंने आपके पर सामान 8,000 रुपये का दिया है और 1,000 रुपया मैंने आपसे टैक्स के रूप में लिया। तो यानी कि टैक्स की अमाउंट वो अलग से शो नहीं कर सकता बिल ऑफ सप्लाई कंडीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं भी बिल ऑफ सप्लाई कौन इश्यू करेगा, कंपोजिशन का डीलर या फिर ऐसा कोई भी डीलर जिसने केवल एग्जम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री का ही प्रोडक्ट उसने 100% सेल करना हो। अभी हमने देखा यहाँ पर ये टैक्स इनवॉइस है, इस इनवॉइस के अंदर सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट है सारे टैक्स वाले हैं। तो यानी कि अब ये यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई का वर्ड यूज नहीं कर सकता, इसको टैक्स इनवॉइस वर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर ये टैक्स बिल ऑफ सप्लाई का वर्ड यूज करता है तो उसके जितने भी प्रोडक्ट है ये वाले, ये सारे के सारे टैक्स फ्री होने चाहिए, टैक्स इसके ऊपर लगानी थी। अगर इनवॉइस के ऊपर टैक्स लग गया, चाहिए वो 1 रुपए का भी लग गया हो, तो वो बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पर नहीं नोट कर सकता, उसको टैक्स इनवॉइस ही लिखना पड़ेगा। और बिल ऑफ सप्लाई के अंदर कंडीशन में क्या होगा कि इस इनवॉइस के ऊपर वो डीलर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है भी बिल ऑफ सप्लाई जो कंपोजिशन डीलर है या फिर वो 100% एग्जम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री के प्रोडक्ट सेल करता हो तो वो यूज कर सकता है, और टैक्स इनवॉइस यानी कि जिसने इनवॉइस के ऊपर टैक्स चार्ज किए अपने कस्टमर पे, वो डीलर टैक्स इनवॉइस की टाइटल है जो यहाँ पर जरूर लिखेगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना।